हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला ओट्स। ओट्स के फायदे के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ओट्स फाइबर और पोषक तत्वों का सबसे बड़ा स्रोत है। ओट्स हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगते हैं, और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ओट्स रामबाण उपाय है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मसाला ओट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप ओट्स लिए हैं। मैंने ये सफोला के प्लेन ओट्स लिए हैं। अब हम इससे ये मसाला ओट्स बनाएंगे। आप किसी भी कंपनी के ओट्स ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने गैस पर एक डिप पैन गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये ऑयल अब गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 1 बारीक कटा प्याज डालेंगे। दो बारीक कटी हरी मिर्च भी डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक की पेस्ट डालेंगे। इन सबको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ गाजर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी बीन्स डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कटोरी हरे मटर के दाने डालेंगे। अब हम ढककर इन सबको थोड़ा सा ग्रिल होने देंगे, वरना मटर बाहर उछलने लगते हैं, इसलिए हम इसे ढककर ग्रिल करेंगे। अब हम इसे खोलेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा लाल टोमेटो डालेंगे। आप इसमें कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। नमक डालने से टोमेटो बहुत जल्दी ग्रिल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी सब्जियां अब बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ये ओट्स डालेंगे। अब हम इन ओट्स को इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
अब हम इसमें एक चम्मच मिक्स हर्ब्स डालेंगे। मिक्स हर्ब्स से ओट्स की टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर दें, और अगर हो तो यूज करें, इससे ओट्स की टेस्ट बढ़ जाती है। अब हम इसमें ढाई कप पानी डालेंगे। हमने ये एक कप ओट्स लिए थे, जिसके लिए हम इसमें ढाई कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। पहले आप देख सकते हैं ये ओट्स अब उबल रहे हैं। अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। ध्यान रहे, अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। अब हम इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाला ओट्स रेडी है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारे ओट्स की कंसिस्टेंसी इतनी परफेक्ट बनी है, और 2 मिनट में ही ये और भी थिक हो जाएंगे। अब हम गैस बंद करेंगे और गर्मा गर्म ओट्स सर्विंग बाउल में निकालेंगे। अब हम गर्मा गर्म ओट्स सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में ही ये ओट्स कितने थिक हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है। हमारे हेल्दी और टेस्टी मसाला ओट्स रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नई रेसिपीज के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।